हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कोई भी ब्यूटी टिप नहीं, कोई भी ब्यूटी वीडियो नहीं, बट डेफिनेटली अ ब्यूटीफुल व्लॉग जो कि एक लास्ट वीक हमने एक रिजॉर्ट विजिट किया था एंड इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल, जस्ट सो मेसमराइजिंग। लाइक आई डेफिनेटली वॉन्टेड टू शेयर विद योर पीपल। इतनी ब्यूटीफुल जगह है, इफ़ यू आर विजिटिंग इंदौर और यू आर इन इंदौर, यू आर इन MP, यू आर गोइंग टू विजिट, डेफिनेटली एक दिन आप निकाल सकते हैं इस ब्यूटीफुल रिजॉर्ट विजिट करने के लिए एंड यू विल बी सो प्लीज्ड, यू विल बी सो रिलैक्स्ड, यू विल बी लाइक कहाँ आ गए हम, कितनी प्यारी जगह पे आ गए, इतनी प्यारी जन्नत सी जगह आपको दिख जाएगी। इस रूम का मतलब मैंने काफ़ी सारे रूम्स में रही हूँ होटल के, बट दिस रूम, इस रिजॉर्ट का जो रूम है ना, वाओ वाओ वाओ। इफ़ यू आर अ ब्यूटी लवर, इफ़ यू आर लाइक नेचर लवर एंड यू लव टू सी ब्यूटिफुल व्यू फ्रॉम योर विंडो इन द मॉर्निंग, देन दिस इज इट। पहाड़ों के बीच है एंड पूल है, वाटर है एंड मूविंग व्यूज है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स, लाइक दिस इज अमेजिंग। आपको लगेगा कि आप लाइक अपनी सिटी से यू आर आउट ऑफ टाउन, नॉट आउट ऑफ टाउन, यू आर इन अ फॉरेन कंट्री, ऐसा लगेगा आपको। सो दिस प्लेस इज अमेजिंग अगर आप इंदौर में हैं, अगर आप इंदौर विजिट करते हैं। इस वीडियो में मैंने जितना भी हो सका है उतने क्लिप्स ऐड करे हैं, बिकॉज क्या हुआ ना, बहुत बड़ी दुर्घटना ये हुई कि मैं सब कुछ ले गई, जिस तरीके से मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने अपने ट्रैवल किट में, मेकअप किट में क्या क्या कैरी किया, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं अटैच कर दूंगी, आप जाके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एज हम गर्ल्स वीमेंस जाते हैं तो हम डेफिनेटली ट्राई करते हैं कि हमारा जो सामान हो वो कम से कम हो एंड इम्पॉर्टेंट हो, तो उसमें मैंने उस वीडियो में आपको बताया है कि हम क्या क्या कैरी करना चाहिए एंड कुछ चीज़ें जो मिस नहीं करनी चाहिए, एंड जो दो चीज़ें मैंने उस वीडियो में छोड़ी थी वो यहाँ पे मैंने डेफिनेटली आपको दिखाई हैं। दुर्घटना ये हुई थी कि हम अपना मोबाइल का चार्जर भूल गए थे। आईफोन है मेरे पास, मेरे हस्बैंड के पास, हम दोनों ही अपना, हमारा सिंगल चार्जर है, मतलब सिंगल ही यूज़ करते हैं वैसे, जो फास्ट चार्जर होता है, भूल गए थे। एंड हाउ वी कुड मैनेज देयर, वहाँ पे मैनेज करना इतना डिफ़िकल्ट हो गया था हमारे लिए कि मतलब कोई हेल्प नहीं हो पाई रिसेप्शन से, उनकी तरफ से हो, रिजॉर्ट वालों की तरफ से। स्टिल हमने गेस्ट से मांग के कैसे भी मैनेज करके, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कि एक से हमने मांगा एंड उनको भी कुछ एक घंटे में, वो नेक्स्ट डे निकलने वाले थे, उनको भी थोड़ी देर में निकलना पड़ा क्योंकि उनके फैमिली में कुछ इशू हो गया था, तो उनको वहाँ से निकलना पड़ा। एंड दैट लेडी वो सो काइंड, उसने मुझे हेल्प करी एंड उनको जाना पड़ा। नेक्स्ट फिर हमने एक और किसी को ढूंढा एंड आईफोन का चार्जर मिल गया। है वेल, बस कि मतलब इस वजह से थोड़ा सा जो वीडियोज़ हैं वो इंटरप्ट हुए, rest everything is there, you could enjoy this, do not miss the view from the room, that is so 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 amazing. khana bhi bahut acha tha, definitely check this out. so guys, वैसे जियान को नहीं पता है, हमने उसके लिए सरप्राइज रखा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। एंड जियान, आप पूछ रहे थे ना कि आप मुझे ये बता दो कि वो स्टार्ट कहाँ से होता है वर्ड, तो वर्ड स्टार्ट होता है आर से। देखते हैं आप गैस कर पाते हो कि नहीं। उस जगह का जगह नहीं है, जहाँ भी हम जिस प्लेस पे जा रहे हैं उसको हम आर से बोलते हैं। देखते हैं हम जियान गैस कर पाता है कि नहीं। तो जियान बोल रहा है रूम वाले होटल, थोड़ा थोड़ा करेक्ट है लेकिन अभी भी पूरा करेक्ट नहीं है। रूम सही है। रूम ठीक है। सो ये रहा जियान आपका सरप्राइज। खुश हूँ। होटल होटल चले आओ।
वाटर पार्क आ गई है तो हम आ चुके हैं। जैन आपको बहुत अच्छा लगता है ये? बट वो मेरा है। क्या? वो मेरा है। ये? हाँ, वो मेरा फेवरेट है। मैं लेके आई थी उसे। हाँ, it's my soft toy. Soft, the soft toy. Just Jayan, just. Welcome drink. So guys, let's have a room tour. यहाँ पे है हमारा वॉशरूम। काफी अच्छा लेवर सा वॉशरूम है। यहाँ पे ये वार्डरोब दी हुई है एंड दिस इज अ मिरर एंड ये है बेड। वो हटा लो, आगे चलते हैं। एंड लाइट इतनी कम क्यों है? अच्छा, ये खुलेगा इसलिए। एंड इसके बाद है ये सरप्राइज, ये ब्यूटीफुल सा वाटर पार्क वाला व्यू वाला रूम है। एंड ये ऑसम है, सामने पहाड़ है, नेचर है एंड उसके बीच में ये वाटर पार्क एंड ये व्यू। एंड यहाँ पे एक अच्छा सा इन्होंने बड़ा सा सोफ़ा दिया है। यहाँ पे हम बैठ के व्यू इंजॉय कर सकते हैं, अपनी कॉफ़ी टी ले सकते हैं। एंड दिस इज़ द मोस्ट स्पेशल पार्ट। वाओ, जियान एंजॉयिंग? वेरी 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 एंजॉयिंग। तो थोड़ा सा रूम व्यू इंजॉय करने के बाद हम निकल चुके थे बाहर। एंड हम जैसे ही अपने फ्लोर से बाहर निकले तो ये ब्यूटीफुल सी लॉबी थी जिसमें बहुत ही प्यारा सा नज़ारा दिख रहा था ऊपर से। एंड देन वी डिसाइडेड टू गो टू स्विमिंग पूल। अब ये दोनों तो चालू हो चुके थे पूल में एंड पंकज को स्विमिंग आती है तो वो सिखा रहे थे जियान को स्विमिंग करना। एंड थोड़ा बहुत ऐसे ट्रेनिंग दे रहे थे। इन किसके साथ आप व्यू देखिए। एंड ये भाई तो चालू हो चुके हैं। आजा चले अपन उसके पास, जाओ तुम लोग उसके पास, चलो। अरे दे अभी स्विमिंग पूल में गरम पानी, नहीं वो गरम पानी किस में था? जगुजी में। अब यहाँ पे पूल में जाने के बाद आप इंजॉय कर सकते हैं हॉट वाटर के साथ, वार्म वाटर के साथ जकूजी। एंड ये ब्यूटीफुल सा व्यू है यहाँ पे। इसके साथ साथ इन्होंने दो जकूजी टब प्लान किए हुए हैं एंड यहाँ पे ये लोग चालू हो चुके हैं। एंड दिस वाज अमेजिंग, दिस वाज सो रिलैक्सिंग कि जब आप पूल्स में आने के बाद यहाँ पे स्टीम वाटर के साथ अपने आप को रिफ्रेश कर लेते हो, रिलैक्स कर लेते हो, दैट वाज अमेजिंग। एंड गाइस, ये इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, दिस वाज इंक्लूडेड इन द पैकेज। एंड इसके साथ साथ स्टीम बाथ भी इंक्लूडेड ही था इस पैकेज में। अब होटल में आके ये काम तो बनता है कि हम कॉफ़ी बनाएं। ये हमें मिली है मिल्क, तो हम इसमें डाल देंगे ये मिल्क एंड इसके बाद में इसमें डालूंगी। और इसमें हम डालेंगे गरम गरम पानी। अब मुझे पता है ये लोग नाटक करेंगे पीने में, पीना मुझे ही पड़ेगा इसलिए मैं थोड़ा ही डालती हूँ। एंड ये खुलवा के आओ ना पापा से। एंड इसके बाद हम डालेंगे इसमें शुगर। शुगर में हमारे पास रिफाइंड शुगर का ही ऑप्शन है, आई थिंक रिफाइंड शुगर का ऑप्शन है। अरे वाह, जियान ने खोल दिया।
थैंक यू डियर। अरे ये कैसे खुला, ये आ ही नहीं रहा, छूट हो गई, नहीं आ रहा, जाओ खुलवा के आओ, नहीं आ रहा बेटू वो। चलो जब तक हम इसमें डालते हैं शुगर, शुगर शुगर शुगर, चलो अभी इसी डालते हैं फिलहाल। जैन लाओ मैं खोल दूँ, जाओ। एंड अब हम इसमें डालेंगे ये कॉफ़ी। अरे जियान यार पूरी बिगाड़ दी, ऐसे नहीं खुलती, इस तरफ से तो नहीं खुलने वाली। नहीं है तो ये हमने जुगाड़ कर दी, पूरे के पूरे नहीं गिराई है, तो मत झूठ झूठ। चलो अभी हमारी कॉफ़ी बन गई है, इसमें हमने एक ही क्रीम डाली थी। एंड अब कॉफ़ी का मज़ा लिया हमने इस व्यू के साथ, मतलब हमने क्या, मैंने क्योंकि पंकज को मैं जब शॉवर लेने गई थी तो मैंने बोल के रखा था मेरे लिए कॉफ़ी बना देना, उसने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, आराम से मोबाइल देखता रहा, तो मैं अकेले ही इंजॉय कर रही थी अपनी कॉफ़ी। ये समथिंग न्यू हमने ट्राई किया, लेस का चिप्स हार्टीज कैरमल फ्लेवर, कैसा है जियान? बहुत अच्छा है सच में, अच्छा है, हमारी टी टाइम पूरी, ऑसम पूरी। अभी था इवनिंग का टाइम एंड यहाँ पे जब हम नीचे आए पूल की तरफ, तो यहाँ पे चल रही थी किसी की प्राइवेट पार्टी, पूल पार्टी चल रही थी जिसमें उन्होंने अपना डीजे भी प्राइवेटली किया था, एंड हमने वहाँ पे बैठ के इंजॉय किया। एंड देखते ही देखते शाम हो गई थी, रात हो गई थी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, बहुत प्यारी सी लाइटिंग थी, इट वॉज जस्ट ब्यूटीफुल गाइस। एंड यहाँ पे हमने नीचे ऑर्केस्ट्रा के साथ हमने बाहर ही पूल साइड में अपना डिनर भी इंजॉय किया था गाइस। इसके साथ यहाँ पे थे इंडोर आउटडोर गेम्स जिसमें था स्नूकर, टेबल टेनिस, एंड बच्चों के लिए यहाँ पे था कैरम, एंड इसके साथ बैडमिंटन वगैरह का भी प्रोविज़न था। सो ये सब हमने इवनिंग में इंजॉय किया था। सो अब मैं आपको बताती हूँ वो दो प्रोडक्ट्स जो कि फेस वॉश पे लाई थी, एंड मैंने बायोडर्मा का कैरी किया था, ये बहुत लाइट है, मेकअप रिमूवल के लिए मैंने ये बायोडर्मा का ही मसाला वाटर यूज़ किया था। एंड अभी मॉर्निंग के ना 6:45 बज रहे हैं, मेरी नींद खुली तो ये ब्यूटीफुल सा व्यू मुझे दिखा। मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मेरी नींद जल्दी ही खुल जाती है, एंड मैं वहाँ की ब्यूटी को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मैं हमेशा यही करती हूँ जब भी बाहर जाती हूँ। जियान का ब्रेकफास्ट, जियान क्या क्या खा रहे हो बताओ? मस्कमेलन लिया, पोजेलिबी लिया, वाटरमेलन लिया, सैंडविच लिया, एंड ये वाटरमेलन जूस भी लिया, और अभी है ना मैं अभी जैन के साथ स्ट्रॉबेरी शेक भी रखा है, तो है ना पापा ने बोला कि अभी भैया ना जैम टोस्ट को ना सेक दे के और उसके ऊपर मेरे लिए जैम लगा के दे देंगे, तो ये है मैं एक ब्रेकफास्ट। सो गाइस ब्रेकफास्ट बुफे के ज़्यादा वीडियोस में ले नहीं पाई बिकॉज मोबाइल में बैटरी बहुत कम थी, एंड ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा था, स्पेशली वहाँ की कचौरी बहुत अच्छी थी। एंड यहाँ पे फिर से हमने सेकंड डे इंजॉय किया था पूल में, बिकॉज सेकंड डे हमने लीव किया वहाँ से अराउंड 1 बजे, तो हमने पूल भी इंजॉय कर लिया मॉर्निंग में, साथ में ये कुछ क्लिप्स वहाँ पे जो झूले थे हमने वहाँ इंजॉय किया। फाइनली निकल चुके थे घर की ओर, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी हो रही थी, दिन का टाइम था, एंड रिटर्न में हमने देव गुरारिया टेम्पल भी देखते हुए आए जो कि महादेव जी का बहुत ही फेमस टेम्पल है, बहुत ही पास पड़ता है वहाँ से। सो ओके, this was today for the vlog. Take care of yourself. Bye bye.